हम ऑर्डर 21 का सेल्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे कि एग्जीक्यूशन में सेल्स कैसे करवाई जाती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो ये रूल 64 टू एंड तक 103 तक, अब ये सारे सेल्स के ही रूल्स होंगे। सारा प्रोसीजर इसमें डिस्कस किया सेल से रिलेटेड। देखिए सीपीसी के सेक्शन हैं 65 टू 67, वो भी सेल से रिलेटेड है। सो ये स्टार्ट करने से पहले हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, लेकिन आप उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। अब हम रूल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 64 से 73 रूल तक, ये पहला पार्ट है इसका। इसमें बताया गया है कि जनरली सेल्स कैसे की जाएंगी एग्जीक्यूशन में। दूसरा पार्ट फिर आ जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे सेल करते हैं, और लास्ट पार्ट होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कैसे किया जाएगा एग्जीक्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम ये दो पार्ट को कंप्लीट करेंगे, सेल जनरली और मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे सेल किया जाएगा। तो रूल 64, पावर टू ऑर्डर प्रॉपर्टी अटैच टू बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स टू बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड। अब ये जनरली यहाँ पे बात करेंगे रूल 73 तक। एनी कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री मे ऑर्डर दैट एनी प्रॉपर्टी अटैच बाई इट एंड लाइबल टू सेल और सच पोर्शन देयर ऑफ मे एज मे सीम नेसेसरी टू सेटिस्फाई द डिक्री शेल बी सोल्ड। अब ये कह रहे हैं कि जब भी एग्जीक्यूटिंग जो कोर्ट है उसने जो प्रॉपर्टी अटैच की हुई है वो लाइबल टू सेल है, तो वो उसको सेल करने का ऑर्डर कर सकती है, पूरी प्रॉपर्टी को या उसका कोई एक पोर्शन उसकी हद तक ऑर्डर कर सकती है कि इसको सेल कर दिया जाए। शेल बी सोल्ड एंड दैट द प्रोसीड ऑफ सच सेल और सफिशेंट पोर्शन देयर ऑफ शेल बी पेड टू द पार्टी एंटाइटल्ड अंडर द डिक्री टू रिसीव द सेम। ऑब्वियसली जो भी पार्टी एंटाइटल्ड है उस डिक्री के अंडर, उसको जो भी सेल करने के बाद जो भी उसकी अमाउंट होगी वो उसको दे दी जाएगी। 65, सेल्स बाई होम कंडक्टेड एंड हाउ मेड, कि जनरली बता रहे हैं कि सेल कौन कंडक्ट करेगा, कैसे की जाएगी। सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई इससे हट के बात यहाँ पर रूल्स में की गई है तो वो मानी जाएगी। बहरहाल जनरली बता रहे हैं एवरी सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी कंडक्टेड बाई द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोई कोर्ट का ऑफिसर होगा जो ये सेल को कंडक्ट करेगा, और बाई सच अदर पर्सन एज कोर्ट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ, या कोर्ट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है कि आप जाके सेल को कंडक्ट करो। नॉर्मल प्रैक्टिस में यही होता है कि वकला वगैरह उनको अपॉइंट किया जाता है और वो ये सारी सेल का प्रोसीजर जो ऑक्शन वगैरह होती है वो करवाते हैं। एंड शैल बी मेड बाई द पब्लिक ऑक्शन इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड, अब यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, देखें ये जनरल बात कर रहे हैं ना, तो उसमें बता रहे हैं कि ये जो सेल होनी है ना एग्जीक्यूशन में, ये पब्लिक ऑक्शन के थ्रू की जाएगी। 66, प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेल्स बाई पब्लिक ऑक्शन, अब इसकी प्रोक्लेमेशन भी की जाएगी। सब रूल 1 है इसका 66 का, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ऑर्डर टू बी सोल्ड बाई पब्लिक ऑक्शन, जब भी किसी प्रॉपर्टी को के रिगार्डिंग ये ऑर्डर पास हो गया कि इसको पब्लिक ऑक्शन के थ्रू सेल करो इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, द कोर्ट शैल कॉज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इंटेंडेड सेल टू बी मेड इन द लैंग्वेज ऑफ सच कोर्ट, तो वो कोर्ट कहेगी कि इसकी पब्लिकेशन करो कि ये प्रॉपर्टी सेल होने जा रही है, इसके इश्तहार वगैरह लगाओ, और वो कोर्ट की लैंग्वेज में वो इश्तहार लगेंगे। इसका सब रूल 2 है, सच प्रोक्लेमेशन शैल बी ड्रॉन अप आफ्टर नोटिस टू द डिक्री होल्डर, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोक्लेमेशन होगी ये इसको ड्रॉ किया जाएगा, उससे पहले डिक्री होल्डर को नोटिस दिया जाएगा। एंड शैल स्टेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, और उसमें जो टाइम होगा सेल का और जिस जगह पे होनी है वो बताई जाएगी, एंड स्पेसिफाई एज फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। अब इस प्रोक्लेमेशन में क्या क्या चीज़ें वो कह रहे हैं प्रॉपरली जस्टली बताई जाएंगी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जो इश्तहार जो प्रोक्लेमेशन लगाना उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बताई जाएगी। ए, द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, जो प्रॉपर्टी सेल की जानी है उसकी डिटेल्स होंगी। बी, द रेवेन्यू असेस्ड अपॉन द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज एन इंटरेस्ट इन एन स्टेट और इज पार्ट ऑफ एन स्टेट पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, यानी अगर वो एक लैंड वगैरह वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू वगैरह पे करती है तो वो सारी डिटेल्स भी उसमें होंगी। सी, एनी इनकम्बरेंस टू विच द प्रॉपर्टी इज लाइबल, यानी उस पर जो कुछ भी इनकम्बरेंस है, जो भी चार्जेस वगैरह हैं,
जो भी उस प्रॉपर्टी की लाइबिलिटीज वगैरह वो भी उस प्रोक्लेमेशन में बताई जाएंगी। डी द अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ विच द सेल इज़ ऑर्डर्ड, जिस अमाउंट के लिए ये सेल की जा रही है वो भी मेंशन की जाएगी। ई एवरी अदर थिंग विच द कोर्ट कंसिडर्स मटेरियल फॉर द परचेजर टू नो इन ऑर्डर टू जज द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो कुछ भी कोर्ट को लगता है कि ये जो परचेजर है जिसने इसको बाई करना है उसको मालूम होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो सारा कुछ भी कोर्ट इस प्रोक्लेमेशन में मेंशन किया जाएगा। अब उसके साथ कोई कोर्ट की तरफ से ये ऑक्शन हो रही है, प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, सारी डिटेल्स दी जाती हैं और सही डिटेल्स दी जाती हैं, कोई बातें कोर्ट ने तो नहीं छुपानी, परचेजर के साथ कोई फ्रॉड कोर्ट ने तो नहीं करना, तो ये सारा कुछ उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बताया जाता है। थ्री, सब रूल थ्री, एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर फॉर सेल अंडर दिस रूल शैल बी अकम्पनीड बाई अ स्टेटमेंट साइंड एंड वेरीफाइड इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द साइनिंग एंड वेरीफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग। यहाँ पे सब रूल थ्री में ये भी कह रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन देनी है ना, कि जो भी प्रॉपर्टी अटैच की गई है जिसकी तरफ से भी दी जा रही है कि जी आप इसको सेल आउट कर दें, उसको साइन किया जाएगा, उसको उसी तरह जिस तरह वो प्लीडिंग्स को साइन वगैरह किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, तो इसको एप्लीकेशन को भी सेम मैनर में साइन और वेरीफाई वगैरह किया जाएगा। सब रूल थ्री में बस इतनी सी बात है। सब रूल फोर, फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग द मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट में समन एनी पर्सन होम इट थिंक्स नेसेसरी टू समन। अब ये कह रहे हैं कि जो ये प्रोक्लेमेशन में जो इश्तहार में जो चीज़ें बतानी है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कोर्ट को लगता है वो डिटेल्स मालूम करने के लिए किसी पर्सन को समन करना ज़रूरी है तो कोर्ट उसको समन करके बुला भी सकती है। एंड मे एग्जामिन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच मैटर, इस मैटर से रिगार्डिंग उसको एग्जामिन भी किया जा सकता है, कोर्ट उससे सवाल जवाब भी पूछ सकती है। एंड रिक्वायर हिम टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन और पावर रिलेटिंग देयर टू, और उसके पोजेशन में या उसकी पावर में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे रिलेटेड भी कोर्ट उसको कह सकती है कि भाई इसको प्रोड्यूस करें। देखें जहाँ पे भी सीपीसी में ये वर्ड एक बहुत आता है कि डॉक्यूमेंट इन द पावर और पोजेशन, पोजेशन की बात तो समझ में आ रही है कि उसके खुद के पर्सन के पोजेशन में है, पावर की जहाँ तक बात होती है उसका मतलब ये होता है कि वो उसके पोजेशन में फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, वो किसी दूसरे के पोजेशन में है बट उस पर्सन की एक्सेस में है, वो जब चाहे उसको मंगवा सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। सो पोजेशन एंड पावर देर आर दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स जिसके मीनिंग ही डिफरेंट है। पोजेशन मतलब उसके कब्जे में है, पावर मीन्स पोजेशन, बेशक उसके पास नहीं है, किसी दूसरे के पास पोजेशन है लेकिन वो उसको मंगवा सकता है, उसको प्रोड्यूस कर सकता है। 67 नाउ, मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, अब ये प्रोक्लेमेशन होनी कैसे है। सब रूल वन, एवरी प्रोक्लेमेशन शैल बी मेड एंड पब्लिश्ड, वो बाकायदा प्रिंट किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा एज नियरली एज मे बी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाई द रूल 54 सब रूल टू। 54 अगर हम देखें, हम सब इसको कल हमने पढ़ा था, इसमें यह था कि उसको कहाँ कहाँ पे पेस्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड था ये अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका सब रूल टू मैं पढ़ देता हूँ दोबारा, द ऑर्डर शैल बी प्रोक्लेम्ड एट द सम प्लेस, किसी प्लेस पे एडजस्टेंट टू सच प्रॉपर्टी, अगर वो कोई प्रॉपर्टी है उसके करीब इसकी प्रोक्लेमेशन की जाएगी बाई बीट ऑफ ड्रम, यानी अगर तो वो गांव वगैरह है तो वहाँ पर ड्रम वगैरह बजाए जाएंगे, और अदर कस्टमरी मोड और कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी अफिक्सड एंड द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है तो उसका वहाँ उसके किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे उसको लगाया जाएगा, और अगर वो कोर्ट हाउस में वो लगाया जाएगा, यानी और अगर वो लैंड है कोई रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है एग्रीकल्चरल लैंड है तो कलेक्टर के ऑफिस में भी उसकी कॉपी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहे थे 67 में सब रूल वन में कि ये 54 का सब रूल टू जो कि हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ही इसकी पब्लिकेशन वगैरह की जाएगी। सब रूल टू, वेयर द कोर्ट सो डायरेक्ट सच प्रोक्लेमेशन शैल ऑल्सो बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट और इन द लोकल न्यूज़पेपर और इन बोथ, अगर कोर्ट ये चाहेगी तो वो ऑफिशियल गजट वगैरह होते हैं उनमें भी ये पब्लिश करेगी, लोकल न्यूज़पेपर में डेफिनेटली ये होती हैं, इश्तिहार निलाम के बहुत आ रहे होते हैं जो कोर्ट की ऑक्शंस वगैरह हो रही होती हैं तो ये न्यूज़पेपर में तो वैसे भी होता है, वो कहते हैं या ऑफिशियल गजट में करेंगे या लोकल न्यूज़पेपर में या दोनों में भी कर सकते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशन शैल बी डीम्ड
टू बी द कॉस्ट ऑफ द सेल, और जो इस पर खर्चा वगैरह आएगा उसको कॉस्ट ऑफ द सेल में इंक्लूड कर लिया जाएगा. सब रूल थ्री, वेयर प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इन टू लॉट्स फॉर पर्पज ऑफ बींग सोल्ड सेपरेटली. अगर तो वो जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिफरेंट लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया, मकसद क्या कि उसको सेल करना है. इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू मेक अ सेपरेट प्रोक्लेमेशन फॉर ईच लॉट. तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको सेल करने के लिए डिफरेंट लॉट्स में डिवाइड किया गया है तो हर एक लॉट से रिलेटेड आप सेपरेट प्रोक्लेमेशन वगैरह इश्तहार वगैरह लग रहे हो, नहीं ये नहीं होगा. अनलेस प्रॉपर नोटिस ऑफ द सेल कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अदरवाइज बी गिवन. अगर वो नोटिस उसका प्रॉपर नहीं दिया जा सकता तो हो सकता है, लेकिन जनरल रूल वो यही बता रहे हैं कि भाई हर एक लॉट के लिए अलग प्रोक्लेमेशन वगैरह नहीं करनी. ये इतना मुश्किल पार्ट नहीं है. टाइम ऑफ सेल, कि सेल का टाइम क्या होगा. सेव इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजो टू रूल 34. रूल 34 की जो प्रोविजो में प्रोवाइडेड है उसको मान के चलो. नो सेल हेयर अंडर शेल विदाउट द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द जजमेंट डेटर टेक प्लेस अंटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एट लीस्ट 30 days इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये टाइम पीरियड बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी जो सेल होनी है ना ये, वो जजमेंट डेटर की इन राइटिंग कंसेंट के बगैर नहीं होगी. नो सेल हेयर अंडर शेल विदाउट कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द जजमेंट डेटर टेक प्लेस अंटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एटलीस्ट 30 days इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एटलीस्ट 30 days का टाइम, एंड ऑफ एटलीस्ट 15 days इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन हैज बीन अफिक्स्ड ऑन द कोर्ट हाउस ऑफ द जज ऑर्डरिंग द सेल. तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 15 दिन का टाइम, और अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 30 days का टाइम है. किस दिन से ये डेज काउंट होने हैं, जिस दिन से ये प्रोक्लेमेशन फिक्स हो रही है, कहाँ पे, कोर्ट हाउस में, वहाँ पे कोर्ट के आते में जहाँ पे ये इश्तहार वगैरह पेस्ट कर रहे हैं. 69 एडजमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल, किन सूरतों में एडजन करेंगे या सेल स्टॉप ही कर देंगे सेल को. सब रूल 1, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन. अब ये कोर्ट के पास ये भी पावर है, एडजन एनी सेल हेयर अंडर टू अ स्पेसिफाइड डे एंड आवर. कोर्ट किसी भी दिन तक के लिए या किसी भी टाइम तक के लिए वो इसको एडजन कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है कि भाई नहीं अभी सेल नहीं होनी. एंड द ऑफिसर कंडक्टिंग एनी सच सेल में इन हिज डिस्क्रिशन एडजन द सेल रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर सच एडजनमेंट. और जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि एडजन करो, तो फिर ऑब्वियसली जो ऑफिसर हो रहा है, जो कंडक्ट कर रहा है, वो भी एडजन कर देगा और साथ ही उसकी रीजनिंग भी बता देगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेल इज मेड इन और विद इन द प्रेसेंट्स ऑफ द कोर्ट हाउस, यानी अगर वो कोर्ट के हदूद में, कोर्ट के हाथे के हदूद में, कोर्ट के हाथी की के हदूद में अगर वो सेल हो रही है, फिर नो सच एडजमेंट शैल बी मेड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट की इजाज़त के बगैर ये एडजन नहीं होगी सेल. सीधी सी बात, कोर्ट के अहाते की हदूद में अगर ये हो रही है सेल, तो कोर्ट की लीव के बगैर इसको एडजन नहीं किया जाएगा. सब रूल 2, वेयर ए सेल इज एडजन अंडर सब रूल 1 फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 7 days, 60 दिन से ज़्यादा अरसे के लिए अगर इस सेल को एडजन किया जा रहा है, अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन अंडर रूल 67 शैल बी मेड अनलेस द जजमेंट डेटर कंसेंट्स टू वेव इट. तो वो कह रहे हैं 7 दिन से ज़्यादा अरसे के लिए इसको एडजन किया गया इस सेल को, तो इसकी एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन करो, नए इश्तहार दोबारा से लगाओ. लेकिन अगर वो जजमेंट डेटर इसकी कंसेंट दे रहा है तो के ना लगाओ, वेव कर रहा है इसको, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है. सब रूल 3, एवरी सेल शैल बी स्टॉप्ड. अब ये स्टॉप किस टाइम हो, पहले एडजन कब की जाएगी उससे रिलेटेड थी, अब किस स्टॉप कैसे की जाएगी. एवरी सेल शैल बी स्टॉप्ड इफ बिफोर ए लॉट इज नॉक डाउन द डेट एंड द कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द सेल आर टेंडर टू द ऑफिसर कंडक्टिंग द सेल. जो ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है सेल को, उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है थ्रू ऑक्शन ही कर रहा है, उसको जाके अगर तो जो डिक्री थी
उसकी पेमेंट कर दी गई हो विद कॉस्ट ऑफ द सेल, सारा पेमेंट कर दी गई हो, तो ऑब्वियसली मकसद क्या था एग्जीक्यूशन में, कि डिक्री को सेटिस्फाई करवाना है। अगर वो पैसे ही उसने दे दिए जाके ऑफिसर को दे दिया तो ऑक्शन नहीं होगी, बात खत्म। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, और प्रूफ इज गिवन टू हिज सेटिस्फेक्शन दैट द अमाउंट ऑफ सच डेट और एंड कॉस्ट हैज बीन पेड इनटू द कोर्ट विच ऑर्डर्ड द सेल, या फिर वो उस ऑफिसर को अगर वहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे, कोर्ट में पेमेंट की है, तो उसको ला के आप प्रूफ दे रहे हो कि भाई ये देख लो हम कोर्ट में जाके इसकी पेमेंट कर चुके हैं, जो कॉस्ट वगैरह जो खर्चा वगैरह वो भी सारा हम पे कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन वो जो सेल है वो स्टॉप कर दी जाएगी। लेकिन ये पेमेंट उसी कोर्ट में होनी चाहिए जो एग्जीक्यूशन वगैरह करवा रही है। रूल 17, सेविंग ऑफ सर्टेन सेल्स, नथिंग इन रूल 66-69 शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी केस इन विच द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू द कलेक्टर। अब ये क्लियरली बता रहे हैं इसमें कि अगर तो ये डिक्री की एग्जीक्यूशन वगैरह ट्रांसफ़र हो गई है किसको, कलेक्टर को ही है, तो ये रूल 66 से और 69 तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना वो वहाँ पर फिर एप्लीकेबल नहीं होता। 71, डिफॉल्टिंग परचेजर आंसरेबल फॉर लॉस ऑन रीसेल। अब इसमें बेसिकली ये बताया गया कि अगर एक कोई पर्सन था, उसने बिडिंग में पार्ट लिया, फिर उसने पेमेंट नहीं की, बिड विन करके फिर पेमेंट नहीं की, तो अब दोबारा उसको रीसेल के लिए उसकी दोबारा ऑप्शन वगैरह होगी तो सारा खर्चा वगैरह उसको डल जाएगा। एनी डेफिशिएंसी ऑफ प्राइस विच मे हैपन ऑन अ रीसेल बाई रीजंस ऑफ द परचेजर्स डिफॉल्ट। परचेजर ने जो उसने पेमेंट करनी थी बिडिंग में, वो बिड करके वो जीत गया लेकिन उसने पेमेंट नहीं की, अब उस वजह से उसको रीसेल करना पड़ रहा है। रीसेल करने की वजह से अगर उस प्रॉपर्टी की सेल में वो डी वैल्यू हो रही है, तो इस सूरत में ये जो डी वैल्यू हो रही है रीसेल में, वो प्लस एंड ऑल एक्सपेंसेस अटेंडिंग सच रीसेल, और जो भी एक्सपेंसेस वगैरह इस रीसेल के हो रहे हैं, शेल बी सर्टिफाइड टू द कोर्ट, वो कोर्ट को सर्टिफाई किए जाएंगे, एंड टू द कलेक्टर और सबॉर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर एज द केस में भी, या अगर कलेक्टर कर रहा तो उसको बताया जाएगा, बाई द ऑफिसर और अदर पर्सन होल्डिंग द सेल। जो भी पर्सन सेल करवा रहा है वो अगर कोर्ट की तरफ से सेल हो रही है तो उसको बताएगा, अगर कलेक्टर या उसके किसी सबॉर्डिनेट की वजह से की तरफ से करवाई जा रही है तो उनको बताएगा कि भाई ये रीसेल अब हम कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी डी वैल्यू होगी और इस पर रीसेल पर इतना खर्चा वगैरह आ रहा है। एंड शेल एट द इंस्टांस ऑफ ईदर द डिक्री होल्डर और द जजमेंट डेटर बी रिकवरेबल फ्रॉम द डिफॉल्टिंग परचेजर अंडर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। तो जो परचेजर होगा ना, जो डिफॉल्ट जिसने किया था, ये सारा कुछ जितना डी वैल्यू हुई है वो प्रॉपर्टी, वो प्लस जो एक्सपेंसेस दोबारा आ रहे हैं रीसेल पे, वो उससे रिकवर किए जाएंगे परचेजर से, उसकी जान नहीं छुटेगी। और वो ऐसे ही कह रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। जैसे पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाता है ना, उन्हीं तरीकों को अडॉप्ट करके इस परचेजर से ये सारे पैसे रिकवर किए जाएंगे। 72, डिक्री होल्डर नॉट टू बिड फॉर और बाई प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। अच्छा, अगर डिक्री होल्डर वही बाई करना चाह रहा है, बिड करना चाह रहा है, तो क्या उसको अलाउ होता है? अलाउ करने के लिए उसको कोर्ट की इजाज़त लेना पड़ती है। सब रूल 1, नो होल्डर ऑफ ए डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच द प्रॉपर्टी इज सोल्ड शैल विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द कोर्ट बिड फॉर और परचेज द प्रॉपर्टी। जो डिक्री होल्डर है ना, अगर वो बिड में हिस्सा लेना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोर्ट को अप्लाई करे, कोर्ट की एक्सप्रेस परमिशन होगी, अगर वो है तो फिर वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। सब रूल 2, वे द डिक्री होल्डर परचेजेस अमाउंट ऑफ डिक्री मे बी टेकन एज पेमेंट। अब ये डिक्री होल्डर ने अगर परचेज कर ली, कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो लाइक जिस तरह सेट ऑफ नहीं होता, उसी तरह ये पेमेंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा उस डिक्री की सेटिस्फेक्शन में। वेर ए डिक्री होल्डर परचेजेस विद सच परमिशन द परचेज मनी एंड अमाउंट ड्यू ऑन द डिक्री। अब जो उसने परचेज कर लिया, डिक्री भी उसी की फेवर में थी, मे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73, वो 73 की जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली बी सेट ऑफ
अगेंस्ट वन अनदर, अब उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा ना, वही डिक्री होल्डर है, वही परचेज कर रहा है, उसी की डिक्री की सेटिस्फैक्शन के लिए ये एग्जीक्यूशन हो रही है, उसके पैसे भी उसको मिलने हैं, यहाँ से वो वही प्रॉपर्टी खरीदी जा रहा है, तो वो सेट ऑफ कर देंगे ना, एडजस्ट कर देंगे जो भी अमाउंट है बैलेंस वगैरह। एंड द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री शैल एंटर अप सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री इन होल और इन पार्ट अकॉर्डिंगली। तो अगर उसकी वजह से पूरी डिक्री सेटिस्फाई हो गई है या इन पार्ट्स हुई है, वो कोर्ट उसकी हद तक ऑर्डर करके उसको एडजस्ट कर देगी, उसको एंटर कर देगी भाई इस हद तक ये डिक्री सेटिस्फाई हो गई है। थ्री, वेयर द डिक्री होल्डर परचेजेस बाई हिमसेल्फ और थ्रू अनदर पर्सन विदाउट सच परमिशन। पहली बात तो हमने ऊपर पढ़ के आ रहे, डिक्री होल्डर अगर बिड करना चाहता है, प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, तो कोर्ट की एक्सप्रेस परमिशन होनी चाहिए। अगर नहीं है एक्सप्रेस परमिशन तो फिर क्या होगा, वो सब रूल थ्री में बताया, द कोर्ट में फिट थिंग्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर और एनी अदर पर्सन, या तो जजमेंट डेटर या किसी भी दूसरे पर्सन ने आके एप्लीकेशन दे दिया कि जी ये इसने कैसे जी बिड में हिस्सा ले लिया, यही खरीदी जा रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड ऑर्डर एंड एनी डेफिशिएंसी ऑफ द प्राइस विच मे हैपन ऑन द रीसेल एंड ऑल एक्सपेंसेस अटेंडिंग इट शैल बी पेड बाय द डिक्री होल्डर। तो उसी तरह अगर उसको दोबारा कोर्ट फिर रीसेल करवा रही है, उसकी कोई डेफिशिएंसी हो गई है, वैल्यू उसकी उसमें कमी आ गई है, तो वो सारा कुछ फिर ये डिक्री होल्डर से कोर्ट रिकवर करवाएगी। तो ये था 72। नेक्स्ट 73, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिडिंग और परचेज बाय ऑफिसर। अब ये क्लियरली बता रहे हैं इसमें सब के नो ऑफिसर और अदर पर्सन हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल। वो जो कोर्ट एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी को सेल करवा रही है, उससे कनेक्टेड कोई भी ऑफिसर होगा वो बिड वगैरह नहीं कर सकता, वो नहीं खरीद सकता। ये वर्ड है नो ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर और अदर पर्सन हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल शैल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, बिड फॉर एक्वायर और अटेम्प्ट टू एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड। क्लियरली वो नहीं कर सकते, जो ऑफिसर है जो सेल को कंडक्ट करा रहे हैं उसके साथ किसी भी तरह वो कनेक्टेड है, ना वो बिड कर सकते हैं ना वो परचेज कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट सेल का जो जनरली बता रहे हैं कि सेल कैसे होनी है, थ्रू ऑक्शन होनी है, कोर्ट करवाती है, प्रोक्लेमेशन वगैरह होती है, और कोई ऑफिसर कोर्ट का या जिस भी पर्सन को कोर्ट अपॉइंट करती है वो ये सेल करवाता है। अब इसका सेकंड पार्ट आ गया सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उनकी ऑक्शन वगैरह कैसे होगी। अब इसमें स्पेसिफिकली 74 में बता रहे हैं कि सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी ये फसलों वगैरह की जो फसलें वगैरह हैं अगर उनको सेल करना हो तो कैसे, समटाइम्स वो अभी उनकी कटाई नहीं हुई होती और अगर कटाई हुई है तो उनकी सेल वगैरह कैसे करवाई जाएगी, उससे स्पेसिफिक है ये। सब रूल वन, वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस द सेल शैल बी हेल्ड ए। पहली बात, इफ़ सच प्रोड्यूस इज ए ग्रोइंग क्रॉप, अभी वो खड़ी फसल है, ग्रोइंग क्रॉप है, वो काटी नहीं गई, ऑन और नियर द लैंड ऑन विच सच क्रॉप हैज़ ग्रोन, तो उस ज़मीन पर जहाँ पर वो खड़ी फसल है या उसके करीब जाके कहीं पे ये ऑक्शन वगैरह ये सेल वगैरह उसकी करवाई जाएगी। बी, इफ़ सच प्रोड्यूस हैज़ बिन कट और गैदर्ड और एट और नियर द थ्रेशिंग फ्लोर और प्लेस ऑफ थ्रेडिंग, तो अगर वो खड़ी फसल नहीं है उसको काट लिया गया, जहाँ पे भी वो रखी गई है उसके करीब जाके, तो वहाँ पे इसकी ऑक्शन वगैरह करवाई जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे डायरेक्ट द सेल टू बी हेल्ड एट द नियरेस्ट प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट इफ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द प्रोड्यूस इज देयर बाई लाइकली टू सेल टू ग्रेटर एडवांटेज। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोवाइजो में कह रहे हैं, ऊपर तो वो कह रहे हैं ना कि जहाँ पे खड़ी फसल है वहाँ पे कर लो, या अगर काट ली गई है तो जहाँ पे है वहाँ पे कर लो, साथ यहाँ पे प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई अगर तो इसको किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी पब्लिक रिजॉर्ट पे जहाँ पे ज़्यादा लोग हों वहाँ पे जाके इसकी हम सेल करें, इसको ऑक्शन करें, तो इससे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर देगी और वहाँ पे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि खड़ी फसल है वहीं पे जाके करनी हो। टू, वेयर ऑन द प्रोड्यूस बींग पुट अप फॉर सेल ए अ फेयर प्राइस इन द एस्टिमेशन ऑफ द पर्सन होल्डिंग द सेल इज़ नॉट ऑफर्ड फॉर इट। देखिए पहली बात है कि जब ये
सेल किया जा रहा है किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, अगर कोई फेयर प्राइस इन द एस्टिमेशन ऑफ द पर्सन, जो भी पर्सन उस सेल को कंडक्ट कर रहा है उसको लग रहा है कि जो प्राइस मिल रही है ना वो अभी फेयर प्राइस नहीं है, बहुत नीचे की प्राइस है, इस सूरत में, या फिर बी द ओनर ऑफ द प्रोड्यूस और अ पर्सन ऑथराइज टू एक्ट इन हिज बिहाफ, या फिर जो वो फसल का मालिक है या उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट वगैरह जो भी दूसरा पर्सन है वो अप्लाइज टू हैव द सेल पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट डे और इफ़ अ मार्केट इज हेल्ड एट अ प्लेस ऑफ सेल नेक्स्ट मार्केट डे। अब यहाँ पे वो दूसरी बात कह रहे हैं कि फेयर प्राइस नहीं मिल रही, पहली बात आ गई कि जो पर्सन जो ऑफिसर कंडक्ट करवा रहा है उसको ही लग रहा है कि भाई ये सही प्राइस नहीं है वो, दूसरी सूरत में जो उस प्रोड्यूस का मालिक है वो या उसका जो भी जिसको उसने ऑथराइज़ किया वो पर्सन कोर्ट को अप्लाई कर देता है कि भाई अप्लाइज टू हैव द सेल पोस्टपोन, के सेल को जी पोस्टपोन कर दो अगले दिन तक के लिए पोस्टपोन कर दो, या जो मार्केट डे होगा जहाँ पे इस लाइकली के इसकी फेयर प्राइस मिल जाएगी वो जो मार्केट डे होगा, फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं जी जुमे वाले दिन के लिए तक के लिए इसको सेल को आप इसकी रोक दो, आज हमें सही प्राइस नहीं मिल रही, जुमे वाले दिन इसकी बड़ी सही प्राइस मिलेगी, उस दिन सही पैसे मिल जाएंगे, तो उस दिन तक के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, द सेल शैल बी पोस्टपोन अकॉर्डिंगली, तो सेल को पोस्टपोन कर दिया जाएगा इन दो सूरतों में, एंड शैल बी देन कम्प्लीटेड वट एवर प्राइस मे बी ऑफर्ड फॉर द प्रोड्यूस, उसके बाद जब भी उसकी सेल हो रही है ना, फॉर इंस्टेंस अगले दिन के लिए की गई है या जो वो मार्केट डे कह रहे थे उस दिन के लिए उसकी सेल करवाई जा रही है, तो उस दिन पे भाई जो भी फिर प्राइस मिलेगी ना वही मिलेगी, फिर ये नहीं होगा कि फिर दोबारा कहें कि नहीं जी अभी भी आज भी सही फेयर प्राइस नहीं मिली, इसको फर्दर एक हफ्ते के लिए कर दें या अगले जुमे तक के लिए कर दें, नहीं, एक दफ़ा के लिए पोस्टपोन हो रही है, उसके बाद अगली पे जो भी मिल जाए जो भी दिन था जो चूज़ हो गया जो डिसाइड हो गया उस पे जो भी प्राइस मिलेगी वही चलेगी। 75 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स, अब ये ग्रोइंग क्रॉप से रिलेटेड ये कुछ स्पेशल प्रोविजन इसमें बता रहे हैं, एक तो कि अगर तो वो ग्रोइंग क्रॉप जो है वो स्टोरेबल है उसको स्टोर किया जा सकता है उस सूरत में क्या होगा, और अगर उसको स्टोर नहीं किया जा सकता तो फिर क्या करना है। सब रूल 1 वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज अ ग्रोइंग क्रॉप, खड़ी फसल, एंड द क्रॉप फ्रॉम इट्स नेचर एडमिट्स ऑफ बीइंग स्टोर्ड, और वो फसल इस तरह की है कि उसको स्टोर किया जा सकता है, फॉर इंस्टेंस आलू हमारे यहाँ स्टोर होते हैं, टोमेटोज हमारे यहाँ स्टोर होते हैं ना, तो ये इस किस्म की कोई फसल है जिसको स्टोर किया जाए, बकायदा कोल्ड स्टोरेज में हम रखते हैं, बट हैज नॉट येट बिन स्टोर्ड, लेकिन अभी तक उसको स्टोर नहीं किया गया, द डे ऑफ द सेल शैल बी सो फिक्स एज टू एडमिट ऑफ इट्स बींग मेड रेडी फॉर स्टोरिंग बिफोर द अराइवल ऑफ सच डे, एंड द सेल शैल नॉट बी हेल्ड अनटिल द क्रॉप हैज़ बिन कट और गैदर्ड एंड इज़ रेडी फॉर स्टोरिंग। अगर तो ये इस किस्म की फसल है जिसको स्टोर किया जा सकता है तो वो कह रहे हैं कि उस दिन तक इसकी सेल नहीं की जाएगी जब तक वो कट नहीं जाती और रेडी नहीं हो जाती स्टोर में जाने के लिए, उस दिन तक इसकी सेल नहीं की जाएगी। सब रूल 2 वे द क्रॉप फ्रॉम इट्स नेचर डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग स्टोर्ड, लेकिन या कोई फसल ऐसी है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता, अब इसकी एग्जांपल ले लें सब्जियों में आप आ जाएं, मिसाल ले लेते हैं कि ये कॉलीफ्लावर ये जो गोभी होती है इसको अगर मिसाल ले रहे हैं कि इसको जो स्टोर नहीं किया जा सकता तो फिर क्या होगा, ऑफ बींग स्टोर्ड इट मे बी सोल्ड बिफोर इट इज़ कट, तो फिर इस सूरत में जब उसको स्टोर नहीं किया जा सकता तो उसको फौरी सेल किया जा सकता है एंड गैदर्ड और फिर उसको इकट्ठा किया जा सकता है, एंड द परचेजर शैल बी एंटाइटल टू एंटर वन ऑन द लैंड एंड टू डू ऑल दैट नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ टेंडिंग और कटिंग और गैदरिंग इट। देखें अगर तो वो स्टोरेबल है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है फिर उस दिन तक सेल नहीं उसको किया जाएगा जिस दिन तक उसको काट नहीं लिया जाता, उसको इकट्ठा करके उसको रेडी नहीं कर लिया जाता कि वो स्टोर हो जाए, उस दिन तक सेल नहीं होगी, अगर उसको स्टोर नहीं किया जा सकता तो फिर उसकी फौरी उसकी सेल कर देंगे, उसको ऑक्शन वगैरह कर देंगे, उसके बाद जो भी बिडर विन कर रहा है उसको ख़रीद रहा है वहाँ पर ऑक्शन में उसके पास ये राइट होगा ख़रीदने के बाद वो
बाकायदा जाए वहाँ पे उस फसल को काटे, उसको इकट्ठा वगैरह करे, तो ये उसके पास राइट आ जाएगा। बहरहाल कहने का मेरा मतलब ये है, अगर स्टोरेबल नहीं है तो फौरी सेल कर दो, अगर स्टोरेबल है तो जब तक वो रेडी नहीं होती स्टोर होने के लिए तब तक उसको सेल नहीं किया जाएगा। 76 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेयर्स इन द कॉरपोरेशन। अब इनसे रिलेटेड क्या है, वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अ शेयर इन अ कॉरपोरेशन। दो बातें आ गई ना, जिस प्रॉपर्टी को शेयर करना है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या वो क्या है कि एक शेयर है, कंपनियों के शेयर्स वगैरह होते हैं ना वो है। द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द सेल टू बी मेड बाई पब्लिक ऑप्शन ऑथराइज द सेल ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट और शेयर थ्रू अ ब्रोकर। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कंपनी के शेयर हैं तो कोर्ट बजाय इसके कि जी उसकी पब्लिक ऑक्शन करवाए कि जी इस कंपनी के इतने शेयर है बिड दो, नहीं, वो कह रहे हैं ये ब्रोकर के थ्रू भी कोर्ट इन कंपनी के शेयर को या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो भी है उसको सेल कर सकती है, ज़रूरी नहीं पब्लिक ऑप्शन हो, यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू भी करवाई जा सकती है। 77 सेल बाई पब्लिक ऑक्शन, वेयर मूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाई पब्लिक ऑक्शन द प्राइस ऑफ ईच लॉट शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ सेल। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो रही है ना तो जो उसकी प्राइस होगी वो ऑक्शन के वक्त ही पे की जाएगी, और एज सून आफ्टर एज द ऑफिसर और अदर पर्सन होल्डिंग द सेल डायरेक्ट्स, या फिर किसी दूसरे वक्त के लिए अगर वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद दे देना, 3 दिन बाद दे देना, या तो मौके पे या अगर थोड़ा सा टाइम दिया गया जो ऑफिसर दे रहा है तो उस टाइम तक, एंड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द प्रॉपर्टी शैल फोर्थ विद बी रीसोल्ड। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं की गई तो फिर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी को रीसेल किया जाएगा। सब रूल 2, ऑन पेमेंट ऑफ परचेज मनी द ऑफिसर और अदर पर्सन होल्डिंग द सेल शैल ग्रांट ए रसीट फॉर द सेम एंड द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। देखिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे तो और प्रोसीजर होता है ना, वहाँ पे कोर्ट की तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब ये ऑक्शन में सेल हो रही है तो जो पर्सन करवा रहा है, जो ऑफिसर भी या जो भी पर्सन उस ऑक्शन को करवा रहा है, वो बाकायदा एक रसीद देगा कि ये जी आपने ख़रीद ली है, और उसके साथ ही कह रहे हैं कि ये जो ऑक्शन होगी, ये जो सेल होगी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी राइट्स वगैरह ट्रांसफ़र। सब रूल 3, वेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज अ शेयर इन गुड्स बिलोंगिंग टू जजमेंट डेटर एंड अ को ओनर। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करनी है ना वो किसी गुड्स में शेयर है जजमेंट डेटर का भी और उसके को ओनर का भी, यानी दो एक को ओनर है दो हैं, डिपेंड करता है, लेकिन क्लियर बात है कि जजमेंट डेटर को शेयर है दूसरे लोगों के साथ, जब जो प्रॉपर्टी को सेल करना है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स हैं। इस सूरत में एंड टू और मोर पर्सन्स ऑफ होम वन ऑफ सच को ओनर रिस्पेक्टिवली बिड द सेम सम फॉर सच प्रॉपर्टी और फॉर एनी लॉट द बिडिंग शैल बी डीम्ड टू बी बिडिंग ऑफ द को ओनर। वो एक किसी पर्टिकुलर लॉट की हद तक अगर वो कर रहा है तो उसकी हद तक ही वो माना जाएगा पूरी करनी। दोबारा ये देखें, ये थोड़ा सा था, एंड टू और मोर पर्सन्स ऑफ होम वन इज सच को ओनर। अब कोई को ओनर ही अगर बिड कर रहा है रिस्पेक्टिवली बिड द सेम सम फॉर सच प्रॉपर्टी और फॉर एनी लॉट द बिडिंग शैल बी डीम्ड टू बी द बिडिंग ऑफ द को ओनर। वो कह रहे हैं कि अगर कोई उनमें से को ओनर एक बिड कर रहा है और वो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली कर रहा है तो उसको ये समझा जाएगा ये को ओनर की बिडिंग है। 78 इरेगुलरिटी नॉट टू विशिएट सेल बट एनी पर्सन इंजर्ड सू। अब इसमें 78 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई इरेगुलरिटी हो गई ना इस सारे प्रोसेस में सेल के में तो जो उससे जिस पर्सन को भी इंजरी होगी वो जाके सेपरेट सूट फाइल कर सकता है कंपनसेशन वगैरह का। लेकिन इससे इसका इस इरेगुलरिटी से ये जो प्रोसीडिंग्स थी सेल वाली ये ख़त्म नहीं होगी, ये विशिएट नहीं होगी। नो इरेगुलरिटी इन पब्लिशिंग, को जो पब्लिकेशन की गई थी उसकी ये प्रॉपर्टी सेल वगैरह हो रही है उसमें कोई इरेगुलरिटी है। नो इरेगुलरिटी इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल विशिएट द सेल, उसको विशिएट नहीं करेगी, बट एनी पर्सन सस्टेनिंग एनी इंजरी बाई द रीजन ऑफ सच इरेगुलरिटी एट द हैंड ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर कोई इंजरी हो गई है सेल की वजह से जिसमें कोई ये इरेगुलरिटी थी,
तो इस सूरत में वो पर्सन इंस्टीट्यूट कर सकता है एक सूट अगेंस्ट हिम फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है, और इफ सच अदर पर्सन इज द परचेजर फॉर द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और अगर वो परचेजर ने की वजह से उसको इंजरी हुई है और उसके अगेंस्ट वो सूट फाइल कर रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए स्पेसिफिकली सूट भी फाइल कर सकता है, एंड फॉर कंपनसेशन इन डिफॉल्ट ऑफ सच रिकवरी, और अगर वो रिकवरी वगैरह नहीं होती तो फिर डिफॉल्ट में कंपनसेशन के लिए भी वो सूट फाइल कर सकता है। तो क्लियरली बता रहे हैं कि भाई कोई इरेगुलरिटी होगी पब्लिशिंग इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल, तो जिस पर्सन को इंजरी हुई है और जिसकी वजह से हुई है वो उसके अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सकता है फॉर कंपनसेशन, और अगर वो परचेजर होगा तो उसके अगेंस्ट ये भी सूट फाइल कर सकता है कि जी मुझे ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इससे दिलवाई जाए जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लस उसके साथ कंपनसेशन वगैरह भी हो सकती है। 79 डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी डेट्स एंड शेयर्स। अब ये डिलीवर कैसे होंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला सेक्शन 79 एंड 80। सब रूल 1, विद प्रॉपर्टी सोल्ड इज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच एक्चुअल सीजर हैज़ बिन मेड इट शैल बी डिलीवर्ड टू द परचेजर। पहली बात तो वो क्लियरली कह रहे हैं सब रूल 1 में कि जो प्रॉपर्टी सेल हुई है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसकी डिलीवरी क्या होगा, एक्चुअली उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी है। वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड इज अ मूवेबल ऑफ विच एक्चुअल सीजर हैज़ बिन मेड इट शैल बी डिलीवर्ड, यानी पहले होता ना अटैचमेंट में हमने देखा था मूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट कैसे करते थे, उस प्रॉपर्टी को एक्चुअली सीज कर लेते थे, अपने कब्जे में ले लेते, फॉरेस्टर को बाइक है कोई कार है कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको कैसे अटैच करना, उसको सीज़ कर लिया अपने कब्जे में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जब वो सेल हो जाएगी तो ऑब्वियसली जिस जो उसमें सेल में उसका अब मालिक बन गया तो उसको एक्चुअली वो डिलीवर कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है सब रूल 2, विद द प्रॉपर्टी सोल्ड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ सम पर्सन अदर देन द जजमेंट डेटर। अब जो प्रॉपर्टी सेल की गई है वो जजमेंट डेटर के पोजेशन में नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन के पोजेशन में, हम पीछे पढ़ के आए हैं ना अटैचमेंट के टाइम पे भी एज वो प्रॉपर्टीज भी अटैच होती हैं मूवेबल प्रॉपर्टियाँ जो जजमेंट डेटर के पोजेशन में नहीं है वो किसी थर्ड पर्सन के पोजेशन में है, तो उनसे रिलेटेड कह रहे हैं कि जब ऐसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया द डिलीवरी देयर ऑफ टू द परचेजर शैल बी मेड, तो अब इसमें परचेजर को डिलीवरी कैसे होगी, बाई गिविंग नोटिस टू द पर्सन इन पोजेशन प्रोहिबिटिंग हेम फ्रॉम डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द परचेजर। तो क्या होगा, कोर्ट उसको एक नोटिस दे देगी जिस पर्सन के पोजेशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि भाई आपने अब ये इसको डिलीवर करनी है परचेजर को, इसके अलावा किसी दूसरे को आपने डिलीवर नहीं करनी। इस तरह से उसकी डिलीवरी होगी उस पर्सन को, थर्ड पर्सन को जिसके पोजेशन में, उसको नोटिस कर देंगे, उसको रोक देंगे, अब डिलीवरी इसको दो जो परचेजर है, इसके अलावा किसी को नहीं देनी। सब रूल 3, वे द प्रॉपर्टी सोल्ड इज अ डेट नॉट सिक्योर्ड बाई द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अ शेयर इन अ कॉरपोरेशन। अब ये कोई अगर कोई डेट था जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सिक्योर नहीं किया गया, ऐसे होता ना भी उधार वगैरह दे दिए, कोई उस पर चेक वगैरह नहीं लिए गए, कोई राइटिंग नहीं हुई, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है उससे रिलेटेड, कोई डेट है या कोई शेयर था कॉरपोरेशन में, अब द डिलीवरी देयर ऑफ शैल बी मेड बाई, अब ये इनकी डिलीवरी कैसे होनी, देखें बाई अ रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट प्रोहिबिटिंग द क्रेडिटर फ्रॉम रिसीविंग एनी डेट। जो क्रेडिटर है उसको कोर्ट एक रिटन ऑर्डर दे देगी भाई अब आपने इस पे फ्रॉम रिसीविंग कोई आपने डेट इससे रिसीव नहीं करना और एनी इंटरेस्ट या इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह आपने रिसीव नहीं करना एंड द डेटर फ्रॉम मेकिंग पेमेंट देयर ऑफ टू एनी पर्सन एक्सेप्ट परचेजर। और जो डेटर होगा उस लोन वगैरह को उसको कह दिया जाएगा कि भाई आपने जो भी पेमेंट करनी है ना वो अब इस परचेजर को करोगे आप, और प्रोहिबिटिंग द पर्सन इन हुज नेम द शेयर मे बी स्टैंडिंग फ्रॉम मेकिंग एनी ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द परचेजर। और जिस भी पर्सन के नाम पे वो शेयर है जजमेंट डेटर के उसको भी कोर्ट रोक देगी कि भैया आपने किसी दूसरे को ये ट्रांसफ़र नहीं करने एक्सेप्ट
परचेजर के, क्योंकि डिलीवरी उसको करवानी है ना, वो अब है इस टाइम परचेजर। और रिसीविंग पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट देयर, और उनसे रिलेटेड अगर कोई डिविडेंड वगैरह, कोई पेमेंट वगैरह, कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो वो भी नहीं। एंड द मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन फ्रॉम परमिटिंग एनी सच ट्रांसफर और मेकिंग एनी सच पेमेंट टू एनी पर्सन एक्सेप्ट परचेजर। और वो कंपनी का जो भी ऑफिसर होगा ना, उसको भी कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि भाई इससे शेयर से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, कोई प्रॉफिट आ रहे हैं, कोई भी शेयर आ रहे हैं, कोई पेमेंट आ रही, वो आपने सिर्फ परचेजर को करनी है और किसी पर्सन को नहीं करनी। तो इस किस्म का कोर्ट रिटर्न ऑर्डर पास करेगी जब डेट्स वगैरह या कंपनी के कोई शेयर्स वगैरह हैं उनको डिलीवर करवाना होगा। 80 ट्रांसफ़र ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, इनको अगर ट्रांसफ़र वगैरह कैसे किया जाएगा, इनसे रिलेटेड भी डिक्री पास हो सकती है ना। सब रूल 1, वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और इंडोर्समेंट ऑफ द पार्टी इन हूज नेम ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी को डिक्री पास हो गई है कि किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट वगैरह करना है, उस पर कोई इंडोर्समेंट वगैरह करनी है, और वो पार्टी अगर कर नहीं रही तो क्या होगा, कोर्ट खुद कहेगी आपने किसी ऑफिसर को कि आप कर दो और वो हो जाएगी, यही बता रहे हैं। वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, और द इंडोर्समेंट ऑफ द पार्टी इन हूज नेम द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अ शेयर इन अ कॉरपोरेशन इज स्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर सच निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और शेयर, और किसी पर्सन के और इंडोर्समेंट ऑफ द पार्टी इन हूज नेम, या इंडोर्समेंट करवानी है किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और कॉरपोरेशन के शेयर में जो कि स्टैंड कर रहा है, द जज और द सच ऑफिसर एज ही मे अपॉइंट, वो जज साहब खुद या वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं इन दिस बिहाफ, मे एग्जीक्यूट सच डॉक्यूमेंट और मेक सच इंडोर्समेंट एज मे बी नेसेसरी। सीधी सी बात है, जब कोई डॉक्यूमेंट को, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ये शेयर को ट्रांसफ़र करवाना हो, किसी डॉक्यूमेंट को इंडोर्स करवाना हो, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो, तो भाई अगर वो पार्टी नहीं कर रही तो जज साहब खुद कर सकते हैं, या जज साहब के किसी पर्सन को अपने किसी कोर्ट के ऑफिसर को वो नॉमिनेट कर देंगे, वो जाके इंडोर्समेंट कर देगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा, पार्टी नहीं कर रही तो ना करे। और मेक सच इंडोर्समेंट नेसेसरी एंड सच एग्जीक्यूशन और इंडोर्समेंट, और ये जो भी एग्जीक्यूशन जज साहब ने खुद की है, अपने अपने किसी ऑफिसर के थ्रू करवा ली है, या इंडोर्समेंट अपने किसी ऑफिसर के थ्रू करवा ली है, शेल हैव द सेम इफेक्ट एज एन एग्जीक्यूशन और इंडोर्समेंट बाई द पार्टी। तो इसका इफेक्ट वही होगा कि भाई ये उस प्रॉपर्टी, ये उस पार्टी की तरफ से खुद की गई। सिंपल सी बात, मज़ीद इसको देख लेते हैं। देखें, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, इससे रिलेटेड डिग्री पास होगी है, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन है, या कोई इंडोर्समेंट उन पे करवानी है, लेकिन को कंपनी के शेयर वगैरह हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन वो पार्टी के साइन के साथ ये सारे काम होने हैं, वो पार्टी तो इनकारी है, वो कहती हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, जज साहब खुद या जज साहब का कोई वो ऑफिसर को अपॉइंट कर देंगे, वो साइन करके तो उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दे, उसने ये इंडोर्समेंट कर दे, उसके थ्रू वो निगोशिएबल वो शेयर वगैरह ट्रांसफ़र हो जाए, कोई बात नहीं। इसका इफेक्ट वही होगा कि जैसे उस पार्टी ने जो थी करना था जैसे साइन, उसके थ्रू किए गए। सब रूल 2, सच एग्जीक्यूशन और इंडोर्समेंट मे बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब ये फॉर्म बता रहे हैं, ए बी बाई सी डी जज ऑफ द कोर्ट, ये इस फॉर्म में किया जाएगा जो इंडोर्समेंट वगैरह की जा रही है। सब रूल 3, अनटिल द ट्रांसफ़र ऑफ सच निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और शेयर, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की या शेयर की, द कोर्ट मे बाई ऑर्डर अपॉइंट सम पर्सन टू रिसीव एनी इंटरेस्ट और डिविडेंड ड्यू देयर ऑन एंड टू साइन अ रिसीट फॉर द सेम एंड मे रिसीट सो साइन शैल बी एज वैलिड एंड इफेक्चुअल फॉर ऑल पर्पजेज एज इफ द सेम हैड बीन साइन बाई द पार्टी हिमसेल्फ। अच्छा, अब ये सब रूल 3 में फर्दर वो कह रहे हैं कि देखें, जब तक ये ट्रांसफ़र निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की या शेयर की नहीं हो जाती, उस वक़्त तक कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है कि भाई इस पे जो भी इंटरेस्ट आने हैं, जो भी डिविडेंड, जो भी शेयर वगैरह मिलना है इनसे, वो उसकी जो भी रिसीट्स वगैरह होंगी उसको आप साइन करी जाओ, और वो ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे वो पार्टी जिसने ये साइन करने थे उसकी तरफ से किया गया। यानी
जब तक ट्रांसफर ये कंप्लीट नहीं हो जाती उस टाइम पीरियड के दौरान के लिए कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या ये जो शेयर है इनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट्स आ रही हैं, जो भी हिस्से वगैरह, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं, उन पे जो सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड हैं वो कोर्ट का ये पर्सन करी जाए। और इसमें यही माना जाएगा कि ये उसी पार्टी की तरफ से सिग्नेचर है, क्योंकि उसने तो वो तो अगर नहीं कर रही तो। 81 वेस्टिंग ऑर्डर इन केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड फॉर। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से पहले सेल के रिगार्डिंग हम जितनी भी प्रॉपर्टियाँ पढ़ के आ रहे हैं उनमें अगर कोई मेंशन नहीं है, वो रह गई है। देखें, इन केस ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई एक ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो हमने पहले मेंशन नहीं की, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर वेस्टिंग सच प्रॉपर्टी इन द परचेजर। तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी, वेस्ट कर देगी उस प्रॉपर्टी को परचेजर में, और एज ही मे डायरेक्ट, या फिर जैसे वो डायरेक्ट करती है, एंड सच प्रॉपर्टी शेल वेस्ट अकॉर्डिंगली। तो वो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो पीछे मेंशन नहीं की उसके रिगार्डिंग कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगी कि परचेजर अब मालिक है, सारे राइट अब इसके पास है, या कोर्ट जिस किस्म का भी ऑर्डर पास करना चाहे, और वो प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स उस परचेजर के पास आ जाएंगे। तो ये 81 तक हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल वगैरह कैसे होनी है उससे रिलेटेड हो गया, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था ये पार्ट। अब लास्ट पार्ट है इसका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे, और होपफुली हमारी सीपीसी इसी मंथ में मैं कोशिश करूंगा कि हमारी कंप्लीट हो जाए। ये ऑर्डर 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको पार्ट्स में कर रहा हूँ, बाकी ऑर्डर्स इतने लेंथी नहीं है।